हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, प्रीलिम्स अगर बहुत नज़दीक आ चुका है तो हमें ऐसे टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए जो हमें प्रीलिम्स में ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको MSP के बारे में बताने वाला हूँ, FRP जो शुगर केन से जुड़ी रहती है, एंड दोस्तों जो बहुत ऑफन न्यूज़ में रहती है, जैसे स्वामीनाथन कमेटी ने बात भी की थी कि व्हाट इज़ द कॉस्ट C2A1, A2B1, B2, C1, C2, इन सब के बारे में क्विक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ताकि प्री में कुछ हम अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए तो निकाल पाएँ, अच्छे नंबर ला पाएँ। ओके, ठीक है दोस्तों। तो बिना वक्त जाहिर किए MSP पर आते हैं। MSP का मैं सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड लगा दिया है PDF में, आपको और थोड़ा जो दिख जाएगा ये क्लियरली, ये ट्रेंड प्लीज एनालाइज कीजिएगा। एंड जो एक ना यहाँ पे चीजें देख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉप्स लगी हुई हैं, क्रॉप्स वेरियस क्रॉप्स जिनके लिए MSP अनाउंस किया जाता है। टोटल 24 क्रॉप्स के लिए मिनिमम सेलिंग प्राइस अनाउंस की जाती है। क्या होती है, क्या इतिहास है, सवाल पूछा जा चुका है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, 24 क्रॉप्स के लिए MSP रहती है लेकिन अनाउंस की जाती है 22 क्रॉप्स के लिए, तो बाकी दो का क्या होता है उसके बारे में भी देख लेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, ओके, प्राइमरी आइडिया MSP का। दोस्तों सॉरी, मैं भूल गया पीछे कि आपको यहाँ पर ट्रेंड बताने के लिए मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ ट्रेंड देख लीजिएगा, तो साल दर साल MSP बढ़ी है, किसी की घटी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में जैसे पैडी, वीट है ना, ये जो है बाकी है, अगर और भी आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट क्रॉप जो शायद न्यूज में थी उसका प्लीज ट्रेंड देख लीजिएगा, कहीं बढ़ी ही बढ़ी है, सिर्फ कहीं घटी भी थी वापस बढ़ गई। ऑलराइट, ओके, देन प्राइमरी आइडिया। आपको पता है कि MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस इसलिए लाई गई थी क्योंकि किसानों को जब कहा गया था 1960s में, पर्टिकुलरली जब बात करें, हमारे देश में फूड का संकट था, बहुत ज्यादा खाना नहीं उगाया जाता था, तो किसानों को कहा गया कि आप हाई यील्डिंग वैरायटीज अपनाइए, हाई यील्डिंग वैरायटीज अपनाएंगे तो ज्यादा अनाज पैदा होगा। लेकिन किसान कह रहे थे सर हम तो अपने ट्रेडिशनल क्रॉप्स ही उगाएंगे, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज नहीं करेंगे। तो सरकार ने कहा कि आप उगाइए तो सही, इससे आपकी जो पैदावार बढ़ेगी। किसान कहते सर अगर पैदावार बढ़ी अगर तो हमारे जो मार्केट में दाम कम हो जाएंगे, एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाएगी जब तो दाम कम हो जाएंगे। सरकार ने कहा कि आप दाम की चिंता मत कीजिए, हम आपको मिनिमम सेलिंग प्राइस देंगे। ठीक है, जरूर देंगे कि आपको कम से कम इतना अनाज का भाव तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, चाहे मार्केट में चाहे प्राइस चाहे 0 रुपीज का हो जाए, हम आपको इतना रुपए तो देंगे। तो MSP का वहां पर गठन हुआ। ठीक है, तो इसीलिए कि अगर जो अगर फार्म प्राइसेस अगर बहुत शार्पली गिरती हैं क्योंकि पैदावार अगर एक्स्ट्रा हो जाती है अनाज की, एंड जो अगर बम्पर प्रोडक्शन ईयर्स में पर्टिकुलरली देखें तो दिक्कत आ सकती है। एंड देन उसके बाद जो दूसरा जो ट्विन ऑब्जेक्टिव UPSC पूछ चुका है सवाल, ये वाला जो भारत सरकार की साइट पर भी लिखा होता है, विकासपीडिया पर देखें वहाँ पर लिखा होता है, तो वो कहते हैं कि एक तो डिस्ट्रेस सेल, फार्मर को कई बार ऐसा होता है कि अरे कोई अच्छी पैदावार जो मेरी जितना भी मेरा अनाज पैदा हुआ इसका मुझे अच्छा दाम नहीं मिल रहा, कोई है खरीदने वाला, सरकार कहती है सर हम खरीदेंगे, हमको बेच दीजिए। ये रहा MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस। ठीक है, MRP होता है ना, जैसे चीजों को आप खरीदते हो दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके ऊपर नहीं बेच सकते। ये MSP है कि इससे कम तो आपको नहीं बेचना पड़ेगा, MSP इससे कम तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम कम से कम इतना भाव देंगे। एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सरकार इससे फूड ग्रेन्स इकट्ठा करती है। ओके, क्विक इतिहास देखते हैं बस दो पर्टिकुलर मिनट्स में। ठीक है, कि 1970s में सरकार ने कहा था कि हम MSP और प्रोक्योरमेंट प्राइस दो चीजें सरकार ने शुरू करी, MSP की एक एरा और एक प्रोक्योरमेंट प्राइस की एरा। तो MSP तो था कि इससे कम नहीं खरीदेंगे हम, लेकिन कितने पे सरकार खरीद रही थी, मान लीजिए सरकार ने अनाउंस किया कि हम 1100 रुपए क्विंटल में आपका अनाज लेंगे, लेकिन लेट्स से सरकार 1150 रुपए में आपसे अनाज प्रोक्योर कर रही थी। एंड जो ऐसे क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सस्ता अनाज भी देंगे, तो सरकार को अनाज तो प्रोक्योर करना था, तो कितने में सरकार अनाज प्रोक्योर कर रही है, दैट वॉज प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो जनरली इसमें डिफरेंस रहता था, तो MSP के कॉन्सेप्ट से ऊपर ही प्रोक्योर हो रही थी चीजें। तो ग्रेजुअली सरकार ने लेटर 70s में आते आते सरकार ने कहा कि चाहे पैडी हो चाहे वीट हो, MSP ही घोषित किया जाएगा, आपको उतने पर ही हम प्रोक्योर भी करेंगे। ठीक है,
तो अनाउंस कब की जाती है, फसल पैदा होने से पहले या बाद में? सर ऑफ कोर्स आपको फसल पैदा होने से पहले ही इसको अनाउंस करना होगा। जब सोइंग सीजन होता है, जब आप बीज डाल रहे होते हैं, उसी चीज का आप बीज डालना भी चाहेंगे, उसी चीज को आप सो भी करना चाहेंगे आप, जिसको आपको पता है अच्छा दाम मार्केट में मिल जाएगा कि सरकार ने अच्छा बढ़िया एमएसपी घोषित किया है, मैं यही उगाता हूं। ठीक है, ओके। अनाउंस कौन करता है? नेचुरली भारत सरकार इसको अनाउंस करती है पूरे देश भर के लिए। एफसीआई के गोडाउन में इसको प्रोक्योर किया जाता है एंड वहां रखा जाता है अनाज को जो किसानों से प्रोक्योर करके। ओके, रिकमेंड कौन करता है? अनगिनत बार सवाल पेपर में आ चुका है सर, सीएसईपी करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो बताता है सरकार को एंड कुछ पैरामीटर्स हैं तो उसके बेसिस पर डिसाइड करता है कि सर ये इतना इतना किसान को खर्चा आता है, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट प्राइस, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। ये भी सवाल यूपीएससी पूछ चुका है एंड इट वॉज अ टफ क्वेश्चन। यहां पर कुछ 11-12 चीजें हैं, पैरामीटर्स हैं, प्लीज एक बार इन पर नजर डाल लीजिए। ठीक है, कि आपको क्या मार्केट में प्राइस मिल रहा है, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या है। अगर इंटरनेशनली चीजें बहुत महंगी हैं, ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपका वीट बहुत महंगा है, राइस बहुत महंगा है, आप अपने घर पे अब बोलेंगे नहीं हम तो घर में सस्ता ही बेचेंगे, तो किसान कहेगा मैं घर पे नहीं चाहता बेचना, मैं चाहता हूं बाहर एक्सपोर्ट करना, सरकार एक्सपोर्ट मान लीजिए नहीं करने दे रही, तो इसलिए सीएससीपी कहता है कि हमें घर का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि किसान इंसेंटिवाइज रहे कि हमें एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें घर में ही अपना अनाज बिकेगा तब भी पैसा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें रहती हैं, इंपैक्ट करती हैं एंड सीएससीपी सिर्फ सरकार को रिकमेंड कर सकता है। सीएसीपी की जो भी बात कहेगा कि सर 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, जितना भी रुपए क्विंटल आप प्रोक्योर कीजिए, सीएसीपी सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। बात माननी है नहीं माननी है वो सरकार की मर्जी है, कोई मैंडेटरी नहीं है सरकार पर सीएसीपी की बात मानना। ओके, देन क्रॉप्स कौन सी कवर्ड है दोस्तों? 22 क्रॉप्स कवर्ड है, मैंने आपको बताया 22 क्रॉप्स कवर्ड है। ठीक है, 14 उसमें से खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं। लेकिन सर आपने कहा था 24 क्रॉप्स हैं, सर 24 क्रॉप्स हैं लेकिन एमएसपी 22 पर घोषित की जाती है। सर 24 का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स दो चीजें और, तोरिया से ऑयल निकाला जाता है एंड जो हमारे जैसे कोकोनट्स के जैसे ये के जिनको कोपरा कहते हैं या फिर है ना जो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी भी बहुत डिमांड रहती है, तो ये जो डी हस्क जो कोकोनट रहता है इसका प्राइस किस पर बेसिस रहता है, किस बेसिस पर? एमएसपी ऑफ कोकोनट कोपरा, ये अनाउंस किया जाता है। गेटिंग इट? 22 चीजों पर सरकार अनाउंस करती है, दो चीजों का प्राइस हम ऑटोमेटिकली डिराइव करते हैं किसी और चीज से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं कि जो तोरिया, ठीक है, तोरिया जैसे का एमएसपी कितने पर रहेगा, तोरिया की एक शक्ल देख सकते हैं, ये तोरिया के बीज होते हैं। ठीक है, तो जो तोरिया सीड्स हैं, तोरिया सीड्स क्या एमएसपी किसके बेसिस पर आता है? एमएसपी ऑफ मस्टर्ड या रेप सीड। गेटिंग इट? जो इस सरकार इसका अनाउंस करती है तोरिया का, ऑटोमेटिकली फिर यही हो जाएगा। एंड सिमिलरली एमएसपी सरकार कोकोनट कोपरा का अनाउंस करती है, डी हस्क कोकोनट का भी फिर वही हो जाता है। गेटिंग इट? तो इसीलिए यहां पर सरकार 24 चीजों पर एमएसपी देती है एंड 25वीं चीज कौन सी होती है हमारी, जो इस पे एक मिनिमम प्राइस जो मिली है हमें, वो है शुगर केन। ओके, सोइंग सीजन के बारे में बात करें क्विकली, तो जो आपको पता है कि हमारे देश में दो प्राइमरी सोइंग सीजन है, खरीफ एंड रबी। ठीक है, खरीफ एंड रबी याद कैसे करें सर? खरीफ रबी याद नहीं होता मुझे कभी, तो मैंने तो ऐसे याद किया था कभी अपने टाइम में कि रबी से मैंने जोड़ के देखा था राइस, कि रबी और राइस सेम है, र नहीं सर, रबी राइस नहीं है या राइस रबी नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि अगर राइस रबी नहीं है तो राइस क्या होगा? तो राइस होगा खरीफ क्रॉप। ठीक है, राइस अगर खरीफ है तो मुझे इतना पता है, देखो ना कॉमन सेंस के लिए निकाल लोगे आप तो ऑटोमेटिकली मैं कुछ आता हूं बताना। राइस अगर खरीफ है तो मतलब राइस को तो पैदा होने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, उसको पानी में हम उगाते हैं ना, तो पानी कब आएगा हमारे देश में? जब मानसून होगा। इसका मतलब मल्टीपल चीजें इकट्ठी याद हो जाती हैं, राइस खरीफ है एक तो क्योंकि राइस रबी नहीं है, दूसरा राइस मानसून में आता है, पानी चाहिए होता है इसको, तो इसका मतलब जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो मानसूनल क्रॉप्स हैं, मानसून के आसपास उगाई जाती हैं। ओके, इसका मतलब अगर राइस खरीफ है तो रबी क्रॉप कौन सी हुई? इसका बिल्कुल उल्टा वाली हमारी, राइस के बिल्कुल उल्टा वीट। ठीक है, वीट क्रॉप्स आर जो जैसे वीट है वो रबी है एंड थोड़ा सा जब मानसून गुजर जाता है, थोड़ी सी हवा जैसे हमारी जब जो ड्राई होनी शुरू हो जाती है एंड ठंडक बढ़ जाती है, कोल्डर टेम्परेचर्स आ जाते हैं रिलेटिवली, तो हम रबी क्रॉप्स उगाते हैं। अकॉर्डिंगली इनके शुरुआती सीजन में इनके उगने से पहले ही एमएसपी घोषित करना पड़ेगा, अदरवाइज किसान को डायरेक्ट मैसेज कैसे मिलेगा कि सर कौन सी क्रॉप उगाएं? जो क्रॉप उगानी है उसके आपको उगाने से पहले ही एमएसपी सरकार घोषित करती है एंड सोइंग सीजन की शुरुआत एक्सेट्रा का भी मैंने आपको बताया। ओके, ठीक है, 24 क्रॉप्स हैं तो इसमें 7 सीरियल क्रॉप्स हैं, आपको पूछ सकता है यूपीएससी, 5 पल्सेस हैं एंड 8 ऑयल सीड्स हैं, एंड देन रॉ कॉटन, जूट इस पर भी आपको मिलेगा, एंड देन जो क्रॉप जो कोपरा डी हस्क कोकोनट पे मिलेगा, एंड देन वर्जीनिया फ्लू क्योर टबैको इस पर भी मिलेगा। 24 क्रॉप्स टोटल हो जाती है, शुगर केन पर एफआरपी रहता है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज आज के लेक्चर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वेरियस कॉस्ट
कि किस चीज पर मैं बेसिस पर मैं बताऊं कि सर ये मैंने सारे खर्चे निकाले, मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स बताए थे, लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं जो जिनके बेसिस पर सीएससीपी रिकमेंड करता है। स्वामीनाथन जी ने भी कहा था कि हमें इस कॉस्ट पर तो देना ही चाहिए डेढ़ गुना। सरकार ने दोस्तों पता क्या हुआ, सरकार ने 2018-19 के बजट में कहा कि हम जो भी कॉस्ट आएगी उसका डेढ़ गुना 1.5 times हम किसानों को उसका दाम देंगे, ठीक है। लेकिन अब बात यह आ गई, कॉस्ट बोलते किसको हैं, व्हाट इज कॉस्ट, कि ऐसा पूछ सकते ना कि आप बोलें कि सर जो मैंने ह्यूमन लेबर हायर किया था, जो मैंने बुलोक कार्ट हायर किया और सीड्स आले, पेस्टिसाइड, मैन्योर, जो मेरा रॉ मटेरियल गया, सर उसकी कॉस्ट को कॉस्ट बोले, उसको कॉस्ट को A1 कहा जाता है, जो रॉ मटेरियल टाइप की कॉस्ट है जो आपको प्रोक्योर करनी पड़ती है, किसी ना किसी को तो आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, फर्टिलाइजर जो भी हुआ ना, एंड देन जो लैंड रेवेन्यू के आपको टैक्स देने पड़ेंगे, वर्किंग कैपिटल आपने अगर किसी से उधार लिया हुआ देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड A1। तो सर इस पर मिलेगा डेढ़ गुना, नहीं, और भी चीजें होती हैं। अगर आपने जो जमीन उधार पर ली हुई है, लीज्ड लैंड आपकी, उसको भी तो रेंट पे करना पड़ेगा, सर बात सही है, वो अगर आप उसको शामिल कर लेंगे इन सारी A1 कॉस्ट में, अगर आप लीज्ड इन लैंड को भी कॉस्ट को डाल लेंगे तो A2 कॉस्ट कहलाती है, ओके। लेकिन सर क्या यही फाइनल कॉस्ट है, जी नहीं, और भी है। देन उसके बाद अगर आप देखें सर, ये वाली जो मैंने कॉस्ट सारी A1 देखी थी, इसमें मैं अगर मैंने मेरे पास खुद के भी कुछ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स हैं, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स मेरे पास जैसे ट्रैक्टर एक्सेट्रा रहते हैं, उस पर भी मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वगैरह तो मैं पे करना पड़ता है कई बार, ठीक है, अगर उधार पर है। एंड दोस्तों एक और बात भी रहती है कि ना, अगर मैंने अपना पैसा देकर, मान लीजिए 5 लाख का ट्रैक्टर था, मैंने 5 लाख का ट्रैक्टर एक बार में जो पैसे देकर ले लिया, तो मैंने 5 लाख पर मैंने इंटरेस्ट भी तो गवाया है ना, इंटरेस्ट गवाया भी, अगर मैं उस 5 लाख को पड़ा रहने देता अपने बैंक अकाउंट में, कुछ मुझको सरकार इंटरेस्ट पे कर रही थी, तो मैंने वो गवाया, उसको भी यहां पर डाल लेते हैं, ठीक है, दैट बिकम्स B1, ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है हमारी कॉस्ट कैलकुलेट करने की। ओके, अगर मैं इस B1 में जो मेरे पास अपनी जमीन है, ठीक है दोस्तों, अगर मैं अपनी जमीन पर खुद खेतीबाड़ी ना कर रहा होता, दोस्तों अगर मैं अपनी खुद की जमीन पर खेतीबाड़ी ना कर रहा होता, तो दोस्तों वहां पर मुझे कुछ किराया मिल रहा होता, आई एम लेटिंग गो ऑफ दैट किराया, ठीक है, तो दैट मींस जो मैंने जो अपनी जमीन जो मैंने अगर किराए पे दी होती, आप कहते सर आप किराया कैसे दे सकते, उस पर ले सकते हो, आप तो खुद काम कर रहे हो, दैट इज द पॉइंट। कि जैसे दोस्तों पता क्या बोलते हैं इसको ऐसा बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कि आप अगर मान लीजिए अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने जॉब छोड़ी हुई है, जो 30-40-50 हज़ार जो आपको 1-2 लाख जो भी तनख्वाह मिल रही होती, अभी आप उसको तनख्वाह को यू आर लेटिंग दैट गो, ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप 2 साल मान लीजिए आप तनख्वाह नहीं ले रहे, आप कह सकते हैं कि मेरा 4-5 लाख रुपया ऑलरेडी लग गया यूपीएससी में, चाहे मैंने स्लीपी क्लासेस पर मैंने फ्री में पढ़ाई करी, लेकिन 4-5 लाख रुपया लग गया, क्यों सर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं जॉब कर रहा था, मैं 2.5 लाख रुपया महीना कमा रहा था, 2 साल मैंने तैयारी करी है, 5 लाख रुपया तो मेरा चला गया, ज्यादा है तो ज्यादा चला गया, गेटिंग इट, तो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको भी शामिल कर सकते हैं। एंड अगर जमीन आपने ली हुई है, उधार लिया हुआ, वो तो करना पड़ेगा, दैट बिकम्स B2, गेटिंग इट, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इमेजिन करते रहते हैं, उस पर हम फिर बोलते हैं अच्छा ये कॉस्ट थी, देन कम्स योर C1 एंड C2। अगर मैं B1 जो कॉस्ट है उसमें अगर जो मेरा पूरा परिवार, हमारे देश में दोस्तों देखा जाता है एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट पूरा का पूरा परिवार लगा होता है, पूरा परिवार जुड़ा होता है, वो परिवार जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि अगर 5 लोग 4 लोग लगे हुए हैं पूरा का पूरा खेती बाड़ी कर रहे हैं, कहीं जाके जॉब करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, वो नहीं कर रहे, मेरे घर पर ही बैठकर अभी वो पूरा खेत देखते हैं एंड खेती बाड़ी देखते हैं, तो उनकी जो सैलरीज देनी चाहिए ना मुझे, मैं ऐसे सैलरी तो नहीं पे कर रहा ना उनको, क्योंकि परिवार की बात है, सैलरीज पे करनी चाहिए आइडियली, अगर कोई और उनके जगह के काम कर रहा होता मैं सैलरी पे कर रहा होता, तो इसीलिए उसको बोलते हैं इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। फैमिली लेबर को आपने जो आपने पैसे नहीं पे किए क्योंकि घर में आपके अपने परिवारजन काम कर रहे हैं, कॉस्ट तो है ना, वो कोई और किसी से करवाते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, तो अगर आप B1 में ऐड करेंगे तो C1 बन जाएगा, B2 में ऐड करेंगे थोड़ी और हायर कॉस्ट है उसमें फैमिली लेबर ऐड कर देंगे C2 बन जाएगी। एंड जो हमारे जो स्वामीनाथन जी हैं वो C2 की बात करते हैं कि सर आपको C2 का डेढ़ गुना पे करना चाहिए किसान को, तभी ही हमारे देश के किसान में खुशहाली आएगी, गरीबी मिटेगी एटसेट्रा, ठीक है। अभी सरकार किस पे कर रही है, अभी सरकार पे कर रही है A2 प्लस फैमिली लेबर पर, गेटिंग इट, तो A2 जो हमारी कॉस्ट है, A2 में देखें तो A1 है एंड लीज्ड इन लैंड है एंड फैमिली लेबर, तो सरकार अभी जो थोड़ा कम पर पे कर रही है, स्वामीनाथन जी इस पर डिसएग्री करते हैं, हम कह रहे हैं सर आप सही नहीं कर रहे, आपको C2 पे पे करना चाहिए डेढ़ गुना,
आपने जो वादा किया था बजट में कि आप 1.5 गुना ऑफ द कॉस्ट करेंगे, कौन सी कॉस्ट करेंगे वो तो बताइए। सीएसीपी आपकी खुद की सरकारी एक संस्था है, उसी ने ही ये वेरियस कॉस्ट निकाल के रखी है, उसी पर आप देखें तो मैक्सिमम जो कॉस्ट निकलती है उसी का आपको 1.5 गुना देना चाहिए। इस स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन था। हमने वीडियो भी बनाया हुआ है स्वामीनाथन कमेटी के 15 रिकमेंडेशन का, बहुत बहुत क्रिस्प वीडियो है, पक्का देखिए। ओके, किसानों के आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो हमारे जो चीज कंसर्न रहता है, गन्ना पैदावार, शुगर केन की प्रोडक्शन, उसमें है हमारे पास फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस, एमएसपी जैसे ही रहता है। उसके पहले जैसे ना हमारे देश में ना जो शुगर केन बहुत ज्यादा उगाया जाता है, एंड दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट टॉपिक, डिटेल टॉपिक, यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, कहाँ कितनी प्रोडक्शन होती है, कहाँ पे कौन से गन्ने में ज्यादा जूस रहता है, तमिलनाडु के गन्ने में ज्यादा जूस है या फिर महाराष्ट्र के या फिर उत्तर प्रदेश के, कौन से जगह में सबसे ज्यादा एरिया अंडर जो शुगर केन कल्टिवेशन है। यूपीएससी का फेवरेट है हमारा जो शुगर केन। एंड देन उसके मैं आपको लेकिन कॉस्ट के बारे में बता रहा हूँ, सरकार कैसे पे करती है। तो सरकार यहाँ पर जो सरकार पहले क्या करती थी 2009 से पहले, कि जो भी मुनाफा कमाएंगी मिल्स आधा आधा शेयर करेंगी किसानों के साथ। लेकिन बहुत सारी मिल्स कह रही थी मुनाफा हुआ ही नहीं, खर्चे एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत टायरिंग था, एंड बहुत सारे किसानों के हमेशा एरियर्स लगे रहते थे कि पैसा बकाया कभी आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। लेकिन अब उस 2009 में सरकार ने बोला कि सर फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस ही होगा शुगर केन का, जैसे बाकी फसलों का रहता है, एंड एक रीजनेबल आप जो प्राइस सेट किया जाएगा, एंड इसे सीएसीपी को ही कहा गया आप सेट करेंगे, एंड इसीलिए आपको कुछ फैक्टर्स वगैरह कंसिडर करके कि कितनी जो कॉस्ट शुगर केन प्रोडक्शन की, इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शुगर, जो शुगर की प्राइस क्या चल रही है, अगर मान लीजिए जो आपकी मिल्स हैं, शुगर मिल्स कहें कि सर शुगर की कोई प्राइस ही नहीं है, हम कहां से पे कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो मिल्स को कहा जाता है कि आपने कम से कम इतना एफआरपी तो पे करना है, शुगर मिल्स पे करती हैं। एंड देन उसके बाद जो कह रहे हैं कि ना आपको जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गन्ना के बाद आपके मोलासेस बगास निकलता है, एंड देन उसके बाद इसमें इसको भी आप बेच सकते हैं, इससे आजकल बायोडीजल बायो जो जनरेशन जो फ्यूल जनरेशन की जाती है, ठीक है, तो इसके भी कुछ जो आपको मुनाफा कमा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो सीएसीपी ने इसको भी इंक्लूड किया है कि आप इन सब चीजों में जहां जहां से पैसा कमाया जा सकता है मिल्स के द्वारा, वो मिल्स को हम पैसा देखें कहां से कमा सकती हैं, एंड अकॉर्डिंगली सीएसीपी एफआरपी घोषित करता है, फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइसेस टू द शुगर केन फार्मर्स। लेकिन इसमें एक और बात है, एफआरपी इशू किया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास यहां पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चाहती है नहीं नहीं सर थोड़ा हमारा यहां पर गन्ना पैदावार बहुत बढ़िया होती है और यहां पर जूस वगैरह एक्सेट्रा जो भी बढ़िया निकलता है, हम अपने किसानों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। एफआरपी जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित किया थोड़ा एक्स्ट्रा, उसको एसएपी कहा जाता है, स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस, ठीक है, दैट इज एसएपी, ये भूलना नहीं है हमने, सिंपल चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करनी हमने। एंड देन उसके बाद अगर हम आगे देखें तो जो एफआरपी एंड एसएपी और जो भी जो ऑर्डर्स एटसेट्रा मिलाकर, तो ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं यहां पर आपको ना बस एक प्लीज बात का ध्यान रखिएगा कि आप ना एरिया अंडर कवरेज, शुगर केन कवरेज कहां ज्यादा है देख लीजिएगा कहां की, और इजीली मिल जाती है हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ये सारे डेटा, आप इस डेटा को देखेंगे आपको पता लगेगा कि शुगर केन को लेकर सरकार कितना रिसर्च करती है। मैंने आपको टाइम एंड अगेन कहा है शुगर केन के बारे में एक और बात जाननी है कि कौन सी टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है, C1 C2 टाइप जो भी रहती है ऐसे, है ना, तो वो कौन सी टाइप ऑफ शुगर केन की जो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन फिक्सेशन का जो लेवल है वो भी ज्यादा है, प्लीज एक बार देखकर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी रिवीजन चल रही है जोरों शोरों से, एंड आप रिवीजन सीरीज का फायदा उठाइए, और रैपिड रिवीजन हो रही है, लास्ट मिनट में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे जाते हैं, और रिवीजन सीरीज में हमने सारे के सारे जो टॉपिक्स कवर किए हैं, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा वहां पर। एंड दोस्तों बाकी अगर आप इको को साथ साथ फॉलो कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉड्यूल भी अपना स्टैटिक से एंड करंट से पढ़ लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली अब आप सभी टेस्ट काबिल हो चुके हैं, सभी टेस्ट अटेम्प्ट करने के, बाकी टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स एक्सेट्रा लास्ट मिनट में अगर चाहते हैं कुछ यूज करना तो दे आर स्टिल एट योर डिस्पोजल, एंड बैच 5 आपको पता है जो शुरू हो चुका है काफी टाइम से इसमें, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में अभी भी एडमिशन मिल सकती है, इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप खरीद सकते हैं जो जीएस के, ठीक है दोस्तों। तो यही आज का थोड़ा हमारा अटेम्प्ट की चीजें कवर करी जाए रैपिडली, हमें आपको चाहता हूँ क्विकली रीरन करना, एफआरपी हमने डिस्कस किया, किसानों को जो शुगर केन के बारे में बात की, इतिहास, वेरियस कॉस्ट हमने कवर करी, एंड देन सोइंग सीजन क्या रहता है, एंड 24 में से 22 अनाउंस की जाती हैं, दो और क्रॉप्स भी हैं, कितनी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, कितनी हमारी रबी, कितनी खरीफ, एंड देन उसके बाद कौन अनाउंस करता है इसको, कब अनाउंस की जाती हैं, हिस्ट्री देखी हमने एमएसपी की, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यूपीएससी सवाल पूछ चुका है इसके बारे में भी, एंड ट्रेंड, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने शुरुआत इससे करी, आप इसको एक बार जाने एंड पहचाने और अच्छे 2 मार्क्स निकाल कर लाएं कम से कम, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द, एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स, बाय बाय।